इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग दैट वाई राइट पार्ट ऑफ द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आर रिड्यूसिंग इन द नेचर वेर एज लेफ्ट साइड इज द नॉन रिड्यूसिंग बट द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट इज विच सब्जेक्ट शुड डील दिस whether it's a chemistry or bio. Bio should deal because it is having glycosidic linkage. Chemistry should deal because they are using the word reducing, oxidizing something. तो ये बहुत interesting है. किस वाली part को deal करना चाहिए या दोनों part को इकट्ठे कर दे biochemistry. अब आपस में लड़ते रहो कि bio वाले ने पढ़ाना है या chemistry वाले ने. तो start करते हैं कि आखिर glycosidic linkage के साथ ये क्या तकलीफ क्या है. Shortcut के अंदर ये देख सकते हैं कि ये अपने glycosidic linkage है. कह रहे हैं कि ये part reducing part है और ये part non-reducing part है. अब ये जिसको रिड्यूसिंग बता रहे हैं ना वहां पे भी H और OH है, यहां पे भी H और OH है. तो ये पहली नजर में बहुत अजीब सा लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक पार्ट में तो रिड्यूस करा दूसरे पार्ट में रिड्यूस नहीं करा. तो इस पार्ट को डील करने से पहले हमें तीन चार कीवर्ड्स के बारे में ध्यान से देखना होगा. व्हाट इज एनोमेरिक कार्बन, नंबर वन व्हाट इज एनोमेरिक कार्बन, सेकंड व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिडक्शन प्रोसेस, एंड नंबर थ्री व्हाट इज 1,4,1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. सो बेसिक पार्ट इज व्हाट इज द एनोमेरिक कार्बन. एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन किसे कहते हैं? एनोमेरिक कार्बन कार्बोहाइड्रेट का वो कार्बन है जो ओपन स्ट्रक्चर के अंदर कार्बोनिल कंपाउंड है. अगर एल्डिहाइड है तो पहला कार्बन है, अगर कीटोन है तो दूसरा कार्बन है. एल्डोज के अंदर पहले कार्बन को एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, कीटोज है तो सेकंड कार्बन को एनोमेरिक कार्बन कहते हैं. ज़्यादा क्लैरिटी के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं, इस वाली पार्ट को एनोमेरिक कार्बन से समझ सकते हैं. ये ओपन चेन के अंदर इस वाली कार्बन को अपन, अगर कीटोन है तो ये जो दूसरा कार्बन है ये ओपन स्ट्रक्चर है, ये ओपन स्ट्रक्चर है और ये रिंग स्ट्रक्चर है. रिंग स्ट्रक्चर के अंदर ये जो सेकंड कार्बन है इसे कहते हैं एनोमेरिक कार्बन. तो इसे बड़े ध्यान से देखा तो यहाँ पे एक स्टीरियोकेमिस्ट्री एग्जिस्ट करती है. तुम कह सकते हैं इस कार्बन के चार साइड पे चार अलग अलग ग्रुप है. तो सी डबल बॉन्ड ओ क्या एनोमेरिक कार्बन बना सकते हैं? इस बात का ध्यान रखना कि सी डबल बॉन्ड ओ से हम एनोमेरिक कार्बन को आइडेंटिफाई करते हैं. सी डबल बॉन्ड ओ क्या ऑप्टिकल आइसोमर क्रिएट कर सकते हैं? आंसर है बिल्कुल नहीं कर सकता. लेकिन सी डबल बॉन्ड ओ ओपन स्ट्रक्चर के अंदर है, जब हम उसे रिंग स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट करते अब जो सी की पोजिशन है उसने एक स्टीरियो सेंटर क्रिएट करा. क्लियर है? सी डबल बॉन्ड सी इटसेल्फ इज नॉट हैविंग स्टीरियो सेंटर बट व्हेन दे गेट्स कन्वर्टेड टू द साइक्लिक स्ट्रक्चर इट्स सी that is now surrounded by the four different group. That's why it generates the stereo center. Yeh one, yeh two, three, four, five or six. Humne hamesha dekhna hai 1,4 bond, 1,6 bond. To aakhir wo bond kahan se ban rahe hai? Aur is wali case mein yeh dono ek side hai. और ये दोनों अपोजिट साइड है, ये अल्फा के कॉन्फ़िगरेशन है और बीटा के अंदर हमने इसका उल्टा करना है. ये अपोजिट साइड पे चले गए और ये दोनों एक साइड पे. जो जो कॉमन डेफिनेशन है, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो ये है कि ये दोनों एक साइड पे होने चाहिए. लेकिन कई बार स्टूडेंट्स ऐसे याद करते हैं कि इस कार्बन के साथ जो दो OH है दे शुड बी ऑन द अपोजिट प्लेन. वो भी सही है, दोनों बातें सही है. अगर हमने इस तरीके से बॉन्डिंग करी तो अल्फा है, उस तरीके से बॉन्डिंग करी तो बीटा है. एनोमेरिक कार्बन के साथ एक वर्ड अटैच था कि अल्डोज या कीटोज के अंदर, अल्डोज कीटोज के साथ एक वर्ड अटैच है हेमिसिटल और हेमिकिटल. तो यहाँ पे एक हेमिसिटल इन्होंने साइकिल के अंदर बना रखी है. लेकिन एक्चुअली ये हेमिसिटल बनाते कैसे? एक्चुअल हेमिसिटल कुछ इस तरीके से बनाते हैं. हमने एक एल्डिहाइड पकड़ी, सपोज ये अपना एल्डिहाइड है तो इस वाली साइड पर एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है. यह है हेमिएसिटल, यह है हेमिएसिटल. हेमिएसिटल क्यों? क्योंकि एक OR है और एक OH है. अगर इस OH को हमने चेंज करा, रिप्लेस करा किसके साथ? OR के साथ. अब भी इसके साथ एक कार्बन और एक हाइड्रोजन है. अगर दोनों एक कार्बन, एक OH और एक OR है तो उसे हेमिएसिटल कहते हैं, दोनों OR है तो उसे एसिटल कहते हैं, इसे एसिटल कहते हैं. लेकिन अगर इसी वाली डिजाइन के अंदर, अगर इस वाली कंपाउंड के अंदर इस तरीके से लिख दे, ऐसे लिख दिया OR और इस वाली साइड पे कार्बन, इस वाली साइड पे कार्बन, तो अब इसका नाम है कीटल. ये हमें एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर के अंदर थोड़ा डिस्कस तो करना है. तो ये वहाँ की बात, अभी ये बात डिस्कशन में इसलिए आ गई क्योंकि हमने बार बार यूज करा एनोमेरिक कार्बन, एल्डोज कीटोज और हेमिसिटल और हेमिकीटल. तो इसके कारण इन बातों को डिस्कस करना जरूरी था. एमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर देखते हैं. यहाँ जो लीनियर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है. ये 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है. कैसे मालूम? तो यहाँ पे जो नंबर 1 कार्बन है, यहाँ पे जो नंबर 4 कार्बन है, इनके बीच की बॉन्ड है. तो मैं याद होगा लास्ट टाइम हमने यहां पे इसको नंबर 6 दे रखा था. तो अगर कभी ऐसा हो कि 6 नंबर और 1 नंबर के बीच में बॉन्ड बन जाए, ये 1 और 4 ग्लाइकोसाइडिक है, ये 1 और 6 है, तो क्या ये हर बार बनते? आंसर है बिल्कुल बनते. अगर हमें हॉरिजॉन्टल मूव करना है तो हॉरिजॉन्टल के अंदर हमने 1,4 यूज करा है. वर्टिकल में मूव करनी हो तो 1 और 6 यूज कर रहे हैं. ये किसके रिस्पेक्ट में बातें कर रहे हैं? इस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में जो कार्बन है इसे 1 लिखा और यहां से ऐसे रोटेट करते. नंबरिंग का ध्यान रखना, ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6.
बायो के अंदर एकाधी बार उन्होंने इस तरीके से सवाल पूछा, ऐसे करके बॉन्ड बना दी और पूछा कहाँ पे 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, कहाँ पे 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, कौन सा नॉन रिड्यूसिंग है, कौन सा रिड्यूसिंग है। तो वो डिस्कस करने का ये तरीका है कि जहाँ पे वर्टिकल पार्ट है, जो वर्टिकल अरेंजमेंट है वो 1,6 की है, जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है वो 1,4 की है। अभी भी डिस्कस करा था, लास्ट स्लाइड के अंदर भी उसी चीज को डिस्कस करा था। ये जो एंड है जहाँ पे ऑक्सीजन है HAOH, ये कई बार एल्डिहाइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जानी है। अभी डिस्कस करा था कि ये क्लोज, ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, किसके, ओपन चेन स्ट्रक्चर की, तो ये ओपन चेन जैसी हरकतें कर सकता है और अगर इसने खुद को एल्डिहाइड के फॉर्म में ओरिएंट करा तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की पॉजिटिव टेस्ट दे सकता है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की पॉजिटिव टेस्ट दे सकता है जहां पे कॉपर 2 पॉजिटिव से 1 में कन्वर्ट हो जानी है और इस एल्डिहाइड को एसिड के सॉल्ट के अंदर, सॉल्ट ऑफ एसिड में इसने खुद को कन्वर्ट करा, इसने खुद को सॉल्ट ऑफ एसिड में कन्वर्ट करा। तो यहां पे ये सॉल्ट ऑफ एसिड है और Cu2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव हैज गॉट कन्वर्टेड इनटू Cu1 पॉजिटिव, तो ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा, गॉट ऑक्सीडाइज्ड और ये गॉट रिड्यूस्ड। क्या हम उस आंसर तक पहुंच गए कि उसका एक पार्ट ही ऑक्सीडाइजिंग क्यों है, दूसरा पार्ट क्यों नहीं? अब तक हमने ये देखा कि एनोमेरिक कार्बन किसे कहते हैं, हेमिसिटल और हेमिकेटल बॉन्ड कौन से होते हैं, एनोमेरिक कार्बन और स्टीरियोसेंटर्स के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस या सिमिलरिटी है, और फिर ये भी देखा कि जब वो एल्डिहाइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के अंदर एंड प्रोडक्ट क्या बनता। लेकिन वो सवाल अब भी बच जाता है, उसका एक साइड ही रिड्यूस क्यों होता, राइट साइड ही रिड्यूस होता, लेफ्ट साइड रिड्यूस क्यों नहीं होता? ये केमिस्ट्री में कम, बायो की ज्यादा हेडेक है, लेकिन फिर भी इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। तो मैं पहली नजर में ऐसा दिखेगा कि ये पार्ट और ये पार्ट एक जैसे हैं, लेकिन ये बेसिकली हमारी लैक ऑफ डेप्थ ऑफ द विजन है। इस बार जब ये अटैच है तो ये कार्बन नंबर, मतलब इसका वाली कार्बन के साथ अटैच है और ये नंबर 1 कार्बन है। इस बार ये जब अटैच है जिसके साथ, वो नंबर 4 कार्बन है। इस कार्बन ने खुद को कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड के फॉर्म में, इस कार्बन ने एल्डिहाइड के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना क्योंकि यहां पे कोई ऑक्सीजन है ही नहीं। अगर कोई ऑक्सीजन ही नहीं तो वो अपने आप को एल्डिहाइड के फॉर्म में कन्वर्ट कर ही नहीं सकता। अगर उसने खुद को एल्डिहाइड के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करा तो वो ये टेस्ट क्यों देगा? तो इसलिए यहां पे तुम्हें दोनों साइड एक जैसे स्ट्रक्चर जरूर दिखते हैं, मगर बेसिक फर्क ये है कि यहां पे ये स्ट्रक्चर ऑक्सीजन के साथ में है इस वाली साइड में, जबकि इस वाली साइड पे ये कार्बन के साथ है। तो कार्बन के साथ वो खुद को एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकता, जबकि ऑक्सीजन के साथ वो खुद को एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में तुम्हें उन ग्रे एरिया के नाम लिखने हैं जिनके ऊपर they are basically from the bio but you need the explanation from chemistry faculty, so you can write down the name। और ये तुम्हें बताना होगा कि क्या तुम्हें अब क्लैरिटी आ गई कि इसका एक साइड ही रिड्यूसिंग क्यों है, दूसरा साइड रिड्यूसिंग क्यों नहीं।